डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि जो अर्बन स्पेसेस हैं और आजकल तो रूरल स्पेसेस में भी विलेजेस और छोटे छोटे गांव में भी देखने को मिलता है, पानी की बहुत कमी है। तो पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हों, चाहे गायें हों, पक्षी हो, मैना हो, कौवा हो, गोरैया हो, स्ट्रे डॉग्स हों, कोई भी हो, उनको पानी की बहुत कमी रहती है। तो आप वाटर बाउल्स, अर्थन वाटर बाउल्स आप दो चार खरीद लीजिए। इससे बढ़िया सोशल वर्क नहीं हो सकता। उसमें फ्रेश पानी डाल के आप जहाँ पर भी अपने घर के आसपास बैल्कनी पे, टेरेस पे आप रख सकते हैं, ताकि पक्षी आएं और पानी पिएं। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, हिंदुस्तान में इस समय, अब वो बात अलग है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में वहां पर करने की जरूरत नहीं है, वहां तो पानी ही पानी है। बहुत बड़ी नदियों वाले क्षेत्र हैं, वहां पर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक नॉर्मल, जैसे हमारे महानगर हैं, हमारी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो सिटीज हैं, छोटे टाउन्स हैं, जहां पर पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, वहां पर पक्षियों को, जानवरों को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा ये मानना है कि हमें खाने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स की खाने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम उनको बहुत ज्यादा खाना देते हैं ना, तो वो बहुत डिपेंडेंट से हो जाते हैं। उनका एक नेचुरल फूड साइकिल है, जैसे बर्ड्स का इंसेक्ट्स है, ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा बर्ड्स को खाने का इतना नहीं फोकस रखना चाहिए, जो एफर्ट है, एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, आप पानी का उनका जरूर इंतजाम करें, ठीक है। तो ये जो वाटर बाउल्स हैं, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी, है ना। जितना अब हमारे यहाँ पर 3 phases में प्लांटेशन साइट है, तो तकरीबन हमारे 50 फर्स्ट फेज में, सेकंड में 50 और थर्ड में 100-150 हमने ये इस तरह के बाउल्स रखे हुए हैं। और खूब पक्षी आते हैं, खूब पक्षी आते हैं, और इधर उधर से स्ट्रे डॉग्स वगैरह भी आते हैं, वो भी पानी पी के जाते हैं। तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए प्लीज पानी का इंतजाम जरूर रखें, ठीक है। यू कैन यूज दीज वाटर बाउल्स, ये 30-40-50 रुपए में आपको कहीं भी शहर में, गांव में मिल जाएंगे। प्लीज यूज सर।